नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। आज के दौर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा फेसबुक मानो लोगों की लाइफलाइन बन गई है, क्योंकि लोग एक दिन बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के बिना ये सोचना तो गलत होगा। लेकिन इस बीच यूरोप से एक बड़ी खबर आई है, वो इंस्टा और फेसबुक यूजर्स की नींद उड़ाने वाली है, जो साफ तौर पर संकेत दे रही है कि आने वाले वक्त में ये प्लेटफॉर्म बंद हो सकते हैं। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो के जरिए जानिए। सूचनाओं को साझा करने के साथ साथ मनोरंजन के मोर्चे पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टा लोगों के बीच अपने खास फीचर्स के चलते मजबूत पकड़ बना चुके हैं। लेकिन फेसबुक इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म को एक बैनर के अंदर लाने वाली कंपनी मेटा ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है जो आपकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो जल्द ही फेसबुक और इंस्टा को बंद कर देंगे। दरअसल मार्क जुकरबर्ग कंपनी मेटा के लिए यूरोप में काम करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि मेटा के लिए यूरोप में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद से मेटा कंपनी यूरोप में अपनी सेवाएं बंद कर सकती हैं। ये बात मेटा के एनुअल रिपोर्ट को देखने के बाद और पुख्ता हो जाती है, जिसके जरिए मेटा ने बताया कि अगर कंपनी को अपने यूरोपीय यूजर्स का डेटा अमेरिका बेस्ड सर्वर पर ट्रांसफर, स्टोर और प्रोसेस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यूरोप में वर्तमान में डेटा ट्रांसफर को लेकर कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जहां अब तक कंपनियों को प्रिवेसी शील्ड और दूसरे मॉडल एग्रीमेंट के जरिए डेटा ट्रांसफर का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन पिछले दिनों इस कानून को यूरोप की कोर्ट ने अमान्य कर दिया गया है। ऐसे में जो मेटा इसी तरीके से यूरोपीय यूजर्स का डेटा अमेरिकी सर्वर पर स्टोर कर रही थी, उसे बड़ा झटका लगा है, जिसके चलते मेटा ने ऐसे संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन को अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में मेटा ने बताया कि अगर एक नया फ्रेमवर्क तैयार नहीं किया गया या उन्हें मौजूद मॉडल इस्तेमाल नहीं करने दिया गया तो कंपनी यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सेवाएं नहीं दे सकेंगी। और तो और, मेटा ने लंदन बेस्ड एक मीडिया और एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन लीडर जॉन नॉलन ने इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया है। उन्होंने मेटा के ग्लोबल अफेयर्स और कम्युनिकेशन वीपी निक क्लेग का एक बड़ा बयान शेयर करते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसमें निक ने बताया कि बिजनेस को स्पष्ट ग्लोबल नियमों की जरूरत होती है जो मजबूत कानून के आधार पर हो, ताकि लंबे समय तक ट्रांस अटलांटिक डेटा फ्लो को प्रोटेक्ट किया जा सके। कुल मिलाकर साफ है कि आने वाले वक्त में यूरोप में अगर संबंधित संस्थाओं के बीच बात नहीं बनती है तो फेसबुक और इंस्टा का भविष्य यूरोप में अधर में लटक सकता है। ऐसी तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए द न्यूज 15 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें।